इस समय किसान की समस्या बड़ी विकट है। दिन रात खेत में मेहनत करने के बाद अपनी ही कमाई को बेचने में पसीना आ रहा है। जहां इन दिनों नरसिंहपुर जिले के गेहूं केंद्रों से खबर निकल रही है, जिससे कई किसान परेशान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक किसान ने तो अधिकारी के सामने ही वेयर हाउस सर्वेयर पर आरोप लगाया कि किसान का कहना है कि वो गेहूं वेयर हाउस लेकर आया और यहाँ से लौटा दिया जाता है। गेहूं साफ करके ला रहा पर गेहूं के बराबर की मिट्टी नहीं निकल पा रही। अब ऐसे में किसानों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा। वहीं पूरे मामले में डीएमओ का कहना है कि शिकायत मिलने पर वो जांच करने गए थे, जिसके चलते किसान के गेहूं में मिट्टी की मात्रा ज्यादा मिलने पर साफ करके लाने को कहा गया था। दिक्कत ये हो रही हमें बल्कि सारे किसानों को, किसान यहाँ आ रहे हैं, गेहूं का सैंपल ले रहे हैं, वो एक एक मिट्टी उठा रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। मिट्टी वाला जो मिट्टी वाला है ना, ज्यादा जहाँ ज्यादा मिट्टी रहती है वो सैंपल उठाते हैं। जब ज्यादा मिट्टी वाला सैंपल उठाते हैं तो उसमें मिट्टी ज्यादा आती परसेंटेज, और फिर क्या है उसमें वो चेक करके बता देते कि इसमें इतनी ज़्यादा परसेंट मिट्टी है तो इसकी तौल नहीं होगी। अब आदमी एक बार दो बार यहाँ से जाके लौट चुका घर, और उसमें मशीन में जो मशीन साफ करते हैं, मशीन में साफ करके दो बार तीसरी बार ला चुके। अब जो गेहूँ है, गेहूँ के बराबर की मिट्टी उसमें नहीं निकलती मशीन से। जितनी बड़ी गेहूँ निकलेगी छन्ने में से उतनी बड़ी मिट्टी भी आ जाती है, तो उसके बावजूद यहाँ खरीदी नहीं हो पा रही। क्या बोलते हैं यहाँ से? चेक करने के बाद बोल लेते हैं कि भाई ये नहीं खरीदेंगे, इसमें मिट्टी की परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप हमें बताओ कि जहाँ से गेहूँ गिरेगी उतनी साइज की मिट्टी भी तो आएगी नीचे साफ करने के बाद। मिट्टी है कि ज़्यादा मात्रा में क्या है? बहुत कम मात्रा में। उसके बाद भी उसके बावजूद भी यहाँ से लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को, और यहाँ से वापस कर देते हैं। क्या बोलते हैं वापस करते कि मिट्टी है इसलिए अलग कर रहे हैं? मिट्टी है, और इनका सीधा मतलब ये है कि साइड से अगर आओ बात करो कुछ खर्च पाई दो तो तौल हो जाती है। मतलब रिश्वत ले रहे हैं? रिश्वत चल रही है। कौन ले रहा है? सर्वेयर ले रहा है। क्या नरसिंहपुर से सुमित साहू की रिपोर्ट।